एपिसोड 194 194। भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान कहे बनावन पालकी सजन सुखासन जान कहे उदे हु सब तिलक समाजु बन ही देव मुनि राम ही राजु बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे तुरत तुरग रथ नाग संवारे चढ़ी चले प्रथम मुनि विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधाना नगर लो सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह कीन पयाना शिविका सुभगन जाही बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी सौंप
गोपीनगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाय सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। नेहु लोग अनुरागे उतरी चले हय घय रथ त्यागे जाय समीप राखी निज डोली राम मा तू मृदु बानी चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई तमसा प्रथम दिवस करी बासु दूसर गोमति तीर निवासु पय आहार फल आसन एक निस भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण कारण कवन भरतु बन जाही है कछु कपट भाव मन माही जो पे जियन होती कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई कलंक अब जीवन हानी सकल सुरा सुर जुरही जुझारा राम ही समर न जीत निहारा
का आचरज भर तुअस करही नहीं विष बेली अमिय फल भरही।